जो आज एक बार फिर मैं अपने चैनल में आज के इस जिस टॉपिक को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो टॉपिक है एक्चुअल में प्रोकैरियोटिक सेल। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको यूकैरियोटिक सेल बताई थी और यूकैरियोटिक सेल में मैंने प्लांट और एनिमल सेल्स को आपको डिस्क्राइब करके बताया था। आज के इस लेक्चर में मैं प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। जैसा कि आपको मालूम भी था कि प्रोकैरियोटिक सेल में ब्लू ग्रीन एल्गीज, नॉर्मल यू डेवलप्ड बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया एट्सेट्रा आते हैं, तो इनमें मैं आज आपको एग्जांपल के फॉर्म में एक नॉर्मल डेवलप्ड बैक्टीरिया की स्ट्रक्चर को एनालाइज करते जा रहा हूँ, जिसमें आप पढ़ने के बाद कंप्लीट मतलब एक प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में जान लेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल होती क्या है ये मैं अपने शुरुआत में ही आपको क्लियर कर चुका था कि ऐसी सेल जिसमें इंसिपिएंट कंडीशन में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ऐसी सेल्स को प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। चलिए देखते हैं कि हम एक प्रोकैरियोटिक सेल हमारी कैसी होती है। मैंने आपके सामने ये एक डायग्राम ड्रॉ किया है जिस डायग्राम में मैंने प्रोकैरियोटिक सेल एक आइडियल बैक्टीरियल सेल को लिया है। अगर हम एक आइडियल या टिपिकल बैक्टीरियल सेल को देखें तो यूजुअली कुछ बैक्टीरियल सेल्स में आपको सबसे पहली बात कि बाहर से अंदर की तरफ तीन कवरिंग देखने को मिलेगी, नॉट ऑलवेज, क्योंकि आउटर मोस्ट जो कवरिंग है जिसे कहते हैं कैप्स्यूल या ग्लाइकोकैलिक्स, जो पॉलीसेकेराइड के पॉलीमर्स से बनी होती है, ये सारे बैक्टीरिया में नहीं होती, ये केवल कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया में ही देखने को मिलेगी। तो सबसे बाहर अगर है कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया तो उसके पास कैप्सूल होगा, अदरवाइज नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया के पास इस टाइप की कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होगी। लेकिन इसके बाद की जो भी स्ट्रक्चर होंगी वो सभी, चाहे कैप्सुलेटेड हो या नॉन कैप्सुलेटेड, उनके पास होंगी ही होंगी। दूसरी जो इनर की तरफ अंदर की तरफ आते हैं तो दूसरी जो लेयर जिसको मैंने ब्लू कलर से दिखाया है ये है सेल वॉल। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसकी जो सेल वॉल है ये जिस मटेरियल की बनी होती है उसका नाम होता है पेप्टाइडोग्लाइकन। ये पेप्टाइडोग्लाइकन दो यूनिट मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बना होता है। ये यूनिट मॉलिक्यूल कौन से हैं? नाग और नाम, इसे म्यूरिक एसिड भी कहते हैं। नाग बोले तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और एन एसिटाइल म्यूरिक एसिड, ये दो कंपाउंड थे जो पेप्टाइडो ग्लाइकन का फॉर्मेशन करते हैं। इसके और अंदर की ओर आए तो वही बायोमेम्ब्रेन जो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में कॉमन थी। बायोमेम्ब्रेन का कुछ पोर्शन कहीं कहीं पर अंदर एम्बेडेड हो जाता है और जो स्ट्रक्चर बनाता है उसे मीसोसोम कहते हैं। ये वो स्ट्रक्चर है जिसको कई साइंटिस्ट माइटोकॉन्ड्रिया के पैरलर मानते हैं कि हाँ ये भी एनर्जी जनरेटर का काम करती है, एनर्जी जनरेट करती है, रेस्पिरेशन में पार्टिसिपेट। अगर आप देख रहे हैं मैंने आपको जो हमारी मेम्ब्रेन है, जो सेल मेम्ब्रेन है जिसे बायो मेम्ब्रेन कहेंगे, इस पर आपको कुछ ग्रैन्यूल्स दिखाई दे, ये ग्रैन्यूल्स रेस्पिरेटरी एंजाइम्स की ग्रैन्यूल्स। इसके अलावा आपको राइबोसोम देखने को मिलेंगे, कुछ तो राइबोसोम आपको सेपरेट मैनर में देखने को मिलेंगे और कुछ राइबोसोम्स आरएनए के ऊपर ग्रुप में देखने को मिलेंगे, जिस टाइप जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोमिक कंडीशन कहते हैं। यानी ये जो थे ये पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम्स थे, कुछ राइबोसोम्स, अच्छा राइबोसोम भी कौन से 70s, जिनकी यूनिट होती है 50 और 30, दो सब यूनिट्स मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा आपको नेकेड कंडीशन में विदाउट हिस्टोन प्रोटीन का के साथ मिक्स डीएनए दिखाई देगा और जो ये डीएनए है इसे कहते हैं क्या, इंसिपिएंट, इसी को इंसिपिएंट न्यूक्लियस की संज्ञा दी जाती है। इसके अलावा इसे न्यूक्लियोइड का नाम भी दिया जाता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि डीएनए कुछ बैक्टीरियल सेल्स में क्वाइल्ड फॉर्म में देखने को मिलता है और अगर क्वाइल्ड फॉर्म में एक्स्ट्रा डीएनए नॉर्मल डीएनए के कंपेयर के अलावा एक्स्ट्रा क्वाइल्ड डीएनए अगर प्रेजेंट है तो उस एक्स्ट्रा क्वाइल्ड डीएनए को कहते हैं प्लाज्मिड। ये सारी चीजें जिस मटेरियल में तैरती हुई दिखाई दे रही हैं, अंदर भरा हुआ फ्लूइड साइटोप्लाज्म,
इसके अलावा इंक्लूजन बॉडीज, रिजर्व फूड मटेरियल भी देखने को मिलेगा। ये रिजर्व फूड मटेरियल फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसिन ग्रेन्यूल्स और ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में आपको स्कैटर्ड मैनर में तैरता हुआ दिखाई देगा। अब हम इसके सरफेस पर निकले हुए प्रोजेक्शंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। कुछ पिलिन प्रोटीन की बनी हुई स्ट्रक्चर दिखाई देती हैं। इन पिलिन प्रोटीन की बनी हुई स्ट्रक्चर्स को पिली या फिम्ब्री भी कहते हैं। सिंगुलरली इनको क्या नाम दिए जाते हैं मैंने लिखे हैं, फिम्ब्री को सिंगुलरली, कंबाइंडली कलेक्टिवली तो फिम्ब्री कहा गया लेकिन सिंगुलरली एक को फिम्ब्रिया कहा जाता है। इसके अलावा इन्हें पिली या पाइलस, पाइलस सिंगुलर, पिली प्लूरल भी कहा जाता है। ये हाइड करने में इसे हेल्प करती है किसी सरफेस के नीचे और इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी पार्टिसिपेट करती है। इसके अलावा आपको इसकी बॉडी पे लंबे लंबी फ्लैजलेटेड स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है। ये वो फ्लैजलेटेड स्ट्रक्चर है जिनको तीन पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, बेसल पार्ट, बेसल बॉडी, बीच का पार्ट हुक और अगला लंबा पार्ट फिलामेंट। ये तीन पार्ट से मिलकर बना है और ये है क्या फ्लैजला, ये लोकोमोटरी ऑर्गन, फ्लैजला की हेल्प से ये लोकोमोशन करते हैं। तो आपने ये जो डायग्राम देखा ये डायग्राम एक प्रोकैरियोटिक सेल का था। क्वेश्चन जो आता है सबसे पहला क्वेश्चन, द सेल वॉल ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल यूजुअली मेड अप बाई पेप्टाइडोग्लाइकन, या कई बार ऑप्शन आता है अनदर मॉलिक्यूल, नाग एंड नाम भी आ सकता है क्योंकि नाग एंड नाम आपस में जुड़ते हैं तब जाकर के फॉर्मेशन होता है पेप्टाइडोग्लाइकन का। इसके अलावा अगर कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया है तो उसकी आउटर मोस्ट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड कितनी कवरिंग होंगी, सबसे बाहर प्रेजेंट होगा ग्लाइकोकैलिक्स या कैप्सूल, इसके अलावा इसके बाद होगा सेल वॉल, देन आफ्टर इट सेल मेम्ब्रेन, तीन लेयरिंग होंगी। अगर नहीं है नॉन कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया तो उसके पास केवल दो लेयर प्रेजेंट होंगी, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन। तो ये आपके सामने जो डायग्राम था ये प्रोकैरियोटिक सेल का। अब आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल, चूंकि आप पढ़ चुके, इनके बीच में डिफरेंसेस बताऊंगा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली स्ट्रक्चर तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। सो आई होप आपको ये मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को बेल आइकॉन को प्रेस करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि जो भी नए लेक्चर अपलोड किए जाते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। स्टे सेफ, स्टे होम।